वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशन प्रिंस। तो गाइज, मैं इस चैनल पे 10th क्लास का मैथ कोर्स कराऊंगा। जिसे भी इस चैनल पे पढ़ना हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है गाइज। तो चैनल स्टार्ट करते हैं। 8.4 का एक से चौथा क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था। आज पांचवा क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हैं जो कि सौर समीकरण पर आधारित है, इसे प्रूव करना है। तो गाइज, मैं इस 4 क्वेश्चन कराऊंगा आज, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा त्रिकोणमिति, ये 8 पॉइंट चैप्टर, ठीक है, 8.4 चैप्टर। तो गाइज, ये पहला क्वेश्चन है जो सिद्ध करने वाला है। 10 क्वेश्चन इस पर आधारित है। तो पाँचवा का पहला क्वेश्चन कहता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो गाइज, इसमें ये प्रूव करना है कि या तो LHS बराबर RHS या तो RHS बराबर LHS। तो हम LHS को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला। तो जब ये वाला लेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जैसे है फिर वैसे स्क्वायर में कर देते हैं। तो इसमें जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, भिन्न सब्ट्रैक्ट जिसे हम बट्टा पर घटाव कहते हैं, तो साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। सो तो ये साइन साइन कैंसिल, तो कॉस थीटा ऊपर में बच जाएगा माइनस इधर एक बच जाएगा, ये होल स्क्वायर। आज कहना था कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन थीटा का फुल स्क्वायर है। तो जब भी हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि एम बाय एन का फुल स्क्वायर को एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये एक 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख ले 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इसमें देखिए ये फॉर्मूला पुट हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसके फॉर्म में बैठ रहा है तभी तो ए माइनस बी ए माइनस बी को मिलकर स्क्वायर हो जाता। नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें एक ये एक ये बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो गाइस, इसी फॉर्म पे बैठ गया तो देखेंगे ऊपर नीचे एक कट रहा है, सेम मिल रहा है हमको 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, इसको इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमको बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमको प्रूव करना था, बराबर RHS प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये दूसरा क्वेश्चन, इसका LHS ये है और RHS, तो इसी को लेके हम चलते हैं। तो LHS बराबर इस दोनों को हम भिन्न जोड़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, इसमें कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का एक ये है और एक ये है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी रहेगा इंटू में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, तो कॉस ए कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए, ये इसका भी कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2
ए बी, ए इंटू बी, तो साइन आए क्यों ना करेंगे, साइन ही होगा, साइन ए बाय ये लिख लेंगे, कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए, तो ये कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, ये एक हो जाएगा फार्मूला पुट हो रहा है, साइन स्क्वायर है बाय साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन, तो ये वन और ये वन प्लस टू साइन ए बाय सेम टू सेम ये लिख लेंगे वन प्लस साइन ए, इसमें एक एक दो हो जाएगा, तो दो प्लस टू साइन ए बाय कॉस वन प्लस साइन ए, तो गाइस इस ऊपर वाले में हमको दो कॉमन ले लेंगे, कॉमन मिल रहा है तो दो कॉमन लेंगे, तो एक एक हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन ए, तभी तो दो के एक में गुणा करेंगे, दो और टू को साइन में तो टू साइन बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए, तो देखिए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा सेम टू सेम, तो ये टू बाय कॉस ए, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक है तो एक बाय कॉस वन बाय कॉस ए सेक का फार्मूला है, तो टू सेक है, आर एच एस मिल गया प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन।